मुनीर भाई अपना छोटा सा सामान छुपाते हुए। तो ये मैं अपने छोटे से बच्चे को लेके आया हूँ खिलाने के लिए। क्या बोल रहा है? डैडी बोल डैडी। तो अरान भाई आ गए, अरान भाई आ चुके हैं। पूड़ी भाजी खाने जा रहे हैं। फ्लाइट में हगी गया इतना सारा फिर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और मैं आ चुका एक न्यू व्लॉग के साथ। तो हम लोग जा रहे हैं सूरत नहीं अहमदाबाद जा रहे। कल तक मुझे मालूम था कि हम लोग जा रहे हैं सूरत। मैंने टिकट नहीं देखी थी कि हम लोग कहाँ जा रहे। और आज मैंने सुबह सुबह टिकट देखी कि अहमदाबाद एयरपोर्ट जा रहे हैं हम लोग बोले तो। मेरे साथ मुनीर भी है। तो हम लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ काम है, हमारा एक शूट है वो कंप्लीट करना है। और एक दिन के बाद रिटर्न फ्लाइट है मुंबई के लिए। तो अभी जाते और देखते। अभी एयरपोर्ट के लिए निकले हम लोग। कितना टाइम बता रहा है मुनीर? आधा घंटा बता रहा है ये हमारे ओला वाले भाई। तो गाइस हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और हमारी फ्लाइट थी इंडिगो की 6 नंबर से। तो हम लोग अंदर एंटर कर रहे। मुनीर भाई अपना छोटा सा सामान छुपाते हुए। मुनीर भाई देख, मैं ऐसे नहीं दिखा था क्योंकि बहुत बड़ा है, लोग देख के डर जाएंगे, समझे। पे जावे यहाँ हाथ लगा, अपने आप चाल रहे, उसको मत घुमा। पहली बार आया ना बड़ी बड़ी जगहों में पहली बार आता था इसी। कुछ नहीं आता है, बड़ी बड़ी जगहों में पहली बार आता है। अबे यार बड़ी बड़ी जगह आ जाते हो मालूम नहीं कुछ। ऐसा मुंह डालना रहता है। तो गाइस मुनीर भाई बोल रहे हैं फ्लाइट डिले है, शायद फ्लाइट डिले है। और हम लोग बोर्डिंग चालू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक तो चालू हुई नहीं है। और यहाँ बहुत सारे लोग हमको पहचान रहे हैं, इसके लिए हम लोग ने मास्क लगाया है। मुनीर भाई तुम्हारा मास्क कहाँ है यार? मुनीर भाई को बोल रहे, मुनीर भाई को भी पहचान नहीं रहा, इसके लिए मुनीर भाई मास्क नहीं लगाए। गजब बेइज्जती है। नहीं नहीं गाइस, बहुत सारे लोग पहचान रहे, बाहर भी फोटो लिए, लेकिन हम लोग चेकिंग में थे इसके लिए क्लिप नहीं ले पाए। तो गाइस हम लोग बस से अहमदाबाद नहीं जाने वाले, बस से फ्लाइट पे जाने वाले। बस का इंतजार है। ये है बस और ये बस में हम लोग फ्लाइट तक जाएंगे। तो गाइस हम लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आ चुके और अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अभी हम लोग अपना लगेज लिए नहीं है पहली बात तो, क्योंकि अभी अभी फ्लाइट लैंड हुई है और लगेज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा भटक रहे हैं, वॉशरूम जाके आते जब तक। फिर उसके बाद होटल जाना है और बाहर ड्राइवर भी खड़ा है, पहले वॉशरूम जाते फिर उसके बाद सामान उठाते। तो गाइस लगेज ले लिया है हम लोगों ने, मेरा लगेज दिखा। तो ये दो लगेज था, एक हैंड बैग था और एक ये छोटी सी ट्रॉली, हम लोग ने लगेज में डाल दिया उसको। बोले कौन हाथ में लेके घूमेगा और कौन हाथ में लेके फ्लाइट में बैठेगा,
इसके लिए हम लोग ने लगेज में डाल दिया। हम लोग निकल रहे हैं बाहर और ड्राइवर इंतजार कर रहा है। तो गाइज हम लोग अच्छे खासे से पहुंच गए थे होटल पे, लेकिन रिसेप्शन में उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा कीज़ के लिए। तो हम लोग, मैं और मुनीर ने सोचा कि हम लोग चलो पीछे ही मॉल है तो हम लोग मॉल में घूम लेते, और हम लोग को भूख भी लगी हुई थी। सेकेंड फ्लोर तो हम लोग को भूख भी लगी हुई थी, तो हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर खाने के लिए कुछ, और देखते हैं पूरा मॉल में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। पूरा मॉल तो खाली लग रहा है। क्या बोलते हैं मुनीर, कैसा लग रहा है? मुंबई ऐसी वाइब नहीं है और पूरा खाली सन्नाटा एकदम। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस, गिनती के 4-5 लोग है और पूरा मॉल खाली है। और देखो फूड कोर्ट के नाम पे खाली फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट के अंदर ना KFC है ना मैकडोनल्ड है, वैसे भी होता तो भी नहीं जाते हम लोग, बॉयकॉट है वो। हाँ बॉयकॉट। तो ये बच्चे लोग के लिए, और मैं मेरे बच्चे को लेके आया हूँ खिलाने के लिए। हाँ कॉइन डाल। तो ये मैं अपने छोटे से बच्चे को लेके आया हूँ खिलाने के लिए। क्या बोल रहा है? डैडी बोल डैडी, डैडी बोल डैडी, मार इसमें मार, कितना जोर से मारता है तू। अबे कॉइन डालना पड़ेगा। अबे देखना किसी में आईफोन है क्या, हिला हिला के मशीन में से निकाल लेंगे। अच्छा तो गाइस हम लोग होटल पे आ चुके हैं। ये हमारा रूम है, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। हमारा बोले तो ये मेरा रूम है, मुनीर का रूम दूसरा है। यहाँ से एंट्रेंस है, लाइट तो चालू कर ले। और ये मुनीर है। लाइट भी चालू हो गई। क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, ये क्या खा रहा है? अच्छा दूध का पाउडर, नेस्ले, इजरायली, बॉयकॉट। फ्री में मिला है। तो ये बड़ा सा मिरर लगाया इन लोग ने, मिरर अच्छा लगा है इन लोग ने, कुछ किया है अच्छा है ना किया, लेकिन मिरर अच्छा लगा है। और ये वॉशरूम है। तो अरान भाई आ गए, अरान भाई आ चुके हैं। ब्लॉग चल रहा है अपने भाई का। हाँ सब सब्सक्राइब करना, सब सब्सक्राइब करो। और ऋषि भाई क्या बोलना चाहोगे भाई, तुम तो गायब ही हो गए हो भाई। कहाँ गायब हो यार, तू ही नहीं मिलता। मैं तो इधर ही हूँ भाई। सब वेज है भाई, यहाँ पे नॉन वेज कुछ नहीं। यही तो चाहता था, इसलिए मेरी होटल बुक कराई है। हेलो गाइस, तो ठंड अच्छी खासी है और मैं सो के उठ चुका हूँ, और मुनीर गया है नाश्ता करने, और आज हम लोग का शूट है। कल बहुत थके हुए थे हम लोग, तो सो गए थे, और आज सुबह सुबह उठे, अभी के बज रहे सुबह के 9, और हम लोग को अभी थोड़ी देर में जाना है रेडियो के शूट पे। मुनीर बहुत ज़्यादा जल्दी सो गया था, तो अभी वो उठ के रेडी भी हो चुका है, और वो नाश्ता करने भी चला गया है, और मैं अभी तक रेडी नहीं हुआ हूँ। तो अभी मैं रेडी होने जाऊँगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे शूट के लिए। बहुत थकाव वाला काम है गाइस, और फिर भी मज़ा आता है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं स्टूडियो पे, और मेरा मेकअप हो चुका है, मुनीर का मेकअप बाकी है, और आउटफिट मैंने पहन लिया है। बस अभी शूट के लिए जाने वाले, तो अभी देखते हैं क्या है, कैसा होता है शूट, कैसी आती है फ़ोटोज़। और मेरे कल्स बाल थे, कर्ली थे, उसको स्ट्रेट किया गया है थोड़ा न्यू लुक के लिए। तो कैसा लग रहा हूँ मैं बताना।
हम लोग का लास्ट डे यहाँ पे, एक दिन के लिए आए थे हम लोग ने शूट किया, शूट बहुत अच्छा हुआ। और सुबह के कितने बजे की फ्लाइट है मुनीर? 11 बजे की फ्लाइट है और अभी बज रहे हैं 9 और हम लोग यहाँ पे होटल पे नाश्ता कर रहे हैं। मुनीर भाई को देखो क्या क्या पी रहे, इधर देख भाई, देख कैसा नींद में मस्त है। मस्त है, चल ले अभी इतना ही लेगा, आगे और लेंगे ना यार। हम कुछ लेंगे, कुछ पाइन एप्पल्स, क्या लेंगे? पाइन एप्पल्स इसको बोलते सीताफल। अब एक बात होता है, इसको पाइन एप्पल क्यों बोलते हैं भाई? पाइन एप्पल क्योंकि इसके अंदर पाइन बहुत मिलता है। अब पाइन क्या है तुम गूगल पे सर्च मारो पहले पाइन क्या है, फिर जब मालूम पड़ेगा तो मेरे को भी बताओ। पाइन मिलता है ठीक है, तो एप्पल क्यों नाम डाल दिया उसका? अरे ठीक है ना, मेरे को क्या करना है, खाने से मतलब रखना है। वाटरमेलन देख, वाटरमेलन उसमें मेलन क्यों बोलते हैं उसको? मेलन तो एक अलग फ्रूट है। वाटरमेलन तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, खा के देख बता फिर। मेलन है कि वाटरमेलन है वो? क्या है वे, वाटरमेलन नहीं खा पा रहा है। नहीं वाटरमेलन मेरे को नहीं चाहिए। देख रहे मेरा पुल आउट गेम देख रहे हो? चल पुल आउट गेम देख रहे हो? चल चल ठीक है, मस्त है बोल के निकलवा दिया। पूड़ी भाजी खाने जा रहे हैं, फ्लाइट में हगी गया इतना सारा। फिर बात तो सही है। नहीं नहीं जान दे, सुनना नॉर्मल सा लेना कुछ हल्का फुल्का। पूड़ी तो खाओ फिर डोसा खाएंगे ना। भाई डोसा बना दो ना। नहीं भाई एक ही बनाएगा, मसाला डोसा। मसाला डोसा है क्या? होएगा ना मसाला डोसा। कितना बड़ा रहता है? इतना बड़ा रहता है देख। लेगा खराब हो जाएगा मैं। तो यहाँ भाई डोसा बना रहे, लाइव डोसा बना रहे, हमारे सामने डोसा बना के देंगे। अभी आएगा मसाला। अच्छा सॉरी, ये इसको तेल बोलते ना भाई, ये तेल है। अभी उत्तम को उत्तम से मिला कि नहीं कभी? उत्तम का भाई उत्तपम। दो सादा डोसा भी बना देना। दो सादा डोसा बना देना। खाली खाने के लिए लगता है इसको, बस और कुछ नहीं लगता। अरे भाई नींबू है, नींबू है ले ले ले, है नींबू ले, नींबू ले। है नींबू चाहिए। कौन सा बवाली? अक्रम बवाली। एक बार बोल तो, डायलॉग तो बोल, गाना तो गा एक बार। तेरी गांड पड़ा 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 पड़ा। तो गाइस हमारा डोसा आ चुका है, ये व्हाइट चटनी खोपरे की, और इसको बोलते हैं सांबर। इसको सांबर बोलते हैं? ये लाल चटनी है, ये लाल चटनी, ये व्हाइट चटनी। सांबर तूने लाया नहीं? सांबर है ही नहीं वहाँ पे, देखा मैं। अबे नहीं है सांबर वो, देख दो ही चटनी है वहाँ पे। तो हम ट्राई करके देखते हैं, पहले सबसे पहले मसाला डोसा कैसा है। मिलते थोड़ी देर बाद खाने के बाद। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, और हमारे जो भाई है हमको जो पिक करने आए थे, भाई आधे घंटे से खड़े थे, भाई बहुत परेशान हो गए कॉल कर करके। भाई सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आ गए, देर आए दुरुस्त आए, फटाफट पहुँच जाएगी। अभी 10 मिनट लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने, फिर उसके बाद मुंबई। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अब एयरपोर्ट पे, और मुझे लग रहा है फ्लाइट डिले है थोड़ा। कितना डिले है मुनीर? एक घंटा फ्लाइट डिले है,
और यहाँ पे एक घंटा और बैठना पड़ेगा हम लोग को, और आँखों में बहुत नींद है, चेहरे पे थकावट और मायूसी के अलावा कुछ दिख नहीं रही है। ये देखो इसकी व्हील चेयर पीछे रखी हुई है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे बैठाया। अभी जा तेरी व्हील चेयर पे बैठ।